तो स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से फिर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नेट प्रॉब्लम के कारण क्लास बंद हो गई थी, तो मैं आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास लेकर आया हूँ। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें भी डेली क्लास में ऐड होना है। 9753749868 पर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन जो है वो बहुरूपता दर्शाएगा। पहला क्वेश्चन, कौन बहुरूपता दर्शाता है? बिल्कुल, फाइसेलिया, फाइसेलिया, टिप्रेनोसोमा और दीमक। ऑप्शन आपका आ जाएगा डी वाला, यह सभी। कौन बहुरूपता दर्शाता है? तो फाइसेलिया, टिप्रेनोसोमा, दीमक, यह सभी। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्वितीयक अरे सम्मिति किसमें पाई जाती है? द्वितीयक अरे सम्मिति किसमें पाई जाएगी, बताइए। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय अरे सम्मिति किसमें पाई जाएगी? तो द्वितीय इकाइनोडर्मेटा, किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। कौन सी? इकाइनोडर्मेटा में द्वितीयक अरे सम्मिति पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तीसरे नंबर का, तो वंश नहीं, जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। एनेलिडा तथा मोलस्कों के बीच संयोजी कड़ी, एनेलिडा और मोलस्कों के बीच संयोजी कड़ी कौन सी होगी? फोर्थ नंबर का, बिल्कुल सही। एनेलिडा तथा मोलस्कों के बीच की संयोजी कड़ी जो हो जाएगी नियोपिलाइना। कौन सी हो जाएगी? नियोपिलाइना। अगला क्वेश्चन है, विषम को बताइए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेला, एनेलिडा, मोनेरा। पांच नंबर का, तो पोरीफेरा कीप कोशिकाएं, सिलेंट्रेला निमेटोसिस, अनेलेडिया विखंड अवस्था, लेकिन मोनेरा जो है ये बिल्कुल यूकेरियोटिक्स में नहीं आता है। मोनेरा जगत में सभी जीव प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, यूकेरियोटिक्स में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो जाए। द्विपार्श्विक सममिति विखंडन प्रगुहा और खुली परिसंचरण तंत्र, उसके लक्षण है, किसके लक्षण है बताइए। तो द्विपार्श्व सममिति विखंडन प्रगुहा और खुली परिसंचरण तंत्र जो है आर्थोपेडा के, किसके हैं? आर्थोपेडा के। ऑप्शन आपका बी वाला आएगा। मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था, मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था कौन सा है? सात नंबर का, क्रो मैग्नान मानव। ऑप्शन आपका ए वाला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, क्रोमैग्नॉन मानव जो होता है वर्तमान मानव का, अभी जो है वर्तमान मानव का सबसे नज़दीकी पूर्वज है, और ये मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था ना, ऑप्शन आपका ए वाला आएगा, पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन किस में पाया जाएगा? कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन किस में पाया जाएगा? आठ नंबर का, बायोस्फीयर में। किसमें? कोन जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन है, बायोस्फीयर में पाया जाएगा। कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है? कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है बताइए? कौन सा कीटनाशक? नौ नंबर का, बिल्कुल आपका सी वाला, DDT। कौन सा? DDT। ऑप्शन आपका आ जाएगा सी वाला। सर्वदाता कौन सा है? सर्वदाता, बी नंबर का, RH। RH जो है ये सर्वदाता आ जाएगा। कौन एक वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण से कौन सा संबंधित नहीं है? IVF। IVF जो है ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसर्च। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IBDW, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। लेकिन IVF यह संबंधित नहीं है वन संरक्षण से। बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जाती है कहाँ पाई जाएगी? बिल्कुल 12 नंबर का, ए वाला, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में। बाघ की सबसे अधिक जनसंख्या जो है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन
इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस HIV अनुवांशिक पदार्थ होता है, किसका अनुवांशिक पदार्थ होगा? 13 नंबर का बी वाला, एक गुणित आरएनए का, एक गुणित आरएनए का, बिल्कुल सही। महाकायता तथा एक्रोमिग्ली किस कारण होते हैं? महाकायता तथा एग्रोमिग्ली किस कारण होते हैं? अति पीयूषता के कारण। 30 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। अगर एक बच्चा ओ रुधिर वर्ग का है तथा उसका पिता बी रुधिर वर्ग का है तो उसके पिता का जीनी संरचना क्या होगी, बताइए। बिल्कुल सही, IB। किसके प्रभाव से शुक्र जनन का निर्माण होगा? किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? 16 नंबर का FSH। किसके प्रभाव से FSH? अधोलिखित में कौन जैव पीड़क नाशी के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? अधोलिखित में से कौन जो होता है जैव पीड़क नाशी के प्रयोग से नियंत्रित किया जाएगा? तो कीट, घासपात, बीमारियां, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, यह सभी। अगर एक स्त्री गर्भाधारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? 18 नंबर का। अगर एक स्त्री गर्भधारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्त्रावित होगा? बिल्कुल, कोरियानिक गोनेड्रोट्रॉपी। बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न होता है, बायोटेक्नोलॉजी से क्या उत्पन्न होगा, बताइए। बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न होता है, 19 नंबर का क्वेश्चन। GM फसल, हार्म्यूलिन, जैविक खाद, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। वायुजीव तथा अवायवी श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था, वायुजीवी तथा अवायवी श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है? बिल्कुल, ग्लाइकोलिसिस। वायुजीवी तथा अवायवी श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था जो हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। ऑक्सीजेनेटिक कोशिकाएं स्त्रावित करती हैं, ऑक्सीजेनेटिक कोशिकाएं स्त्रावित करेगी, 21 नंबर का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, किसको? ऑक्सीजेनेटिक कोशिकाएं जो हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्त्रावित करेगी। रजोधर्म होता है, रजोधर्म होता है, 22 नंबर का। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से, किसकी कमी से? रजोधर्म जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होगा, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। संघ, वर्ग तथा उदाहरण का सही मिलान, संघ और वर्ग का और इसके उदाहरण का सही मिलान करना है। कौन से सर संघ में कौन सा वर्ग आएगा और उसका उदाहरण, तीनों बताइए। तो मोलस्का, वाइमेलिया, पिने का डाटा, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए 24, यूरिया संश्लेषण कहां पर होता है? यूरिया का संश्लेषण कहां होता है, बताइए। यूरिया संश्लेषण कहां होता है, 24, यकृत में होता है, कहीं में। यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो यकृत में होगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में क्या समानता है? स्तनधारियों के वृक्क और कंकाल में क्या समानता है? 25, सी वाला, पेलिस। पेलिस किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं, बताइए। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, भ्रूण का मूत्राशय, 26 नंबर का बी वाला, एलेंटावायरस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एलेंटावायरस। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12, 27 नंबर का। बिल्कुल, पर्निशियम रक्त अल्पता। कौन सा? पर्निशियम रक्त अल्पता।
रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? 28 नंबर का रुधिर जो है वो किस प्रकार का उत्तक है? रुधिर जो है वो द्रव्य संयोजक उत्तक है। कौन सा है? रुधिर जो है ये द्रव्य संयोजक उत्तक हो जाएगा। किसे मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाएगा 29 नंबर का एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आईयूसीटी, ट्यूबेक्टोमी, यह सभी। शराब पीने की लत, शराब पीने की लत से क्या होता है? शराब पीने की लत से जो होता है सिरोसिम होगा। क्या होगा? सिरोसिम होगा। इसके अलावा आपको मैंने 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जिनको ऐड होना है ऐड हो सकते हैं, और जिनको ये बुक मंगवानी है मैं वो मंगवा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य विज्ञान की बुक अवेलेबल हैं, जो आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, बहुत होते हैं 7500। 350 पेज की ये बुक रहेगी, ये आपके एड्रेस पर आ जाएगी। आप PNST की तैयारी कर रहे हो, एम्स की कर रहे हो, डाहेट की कर रहे हो, PVFT की कर रहे हो, ANM की कर रहे हो, नीट, छत्तीसगढ़, BSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जिनको मंगाना है ये मनीष सर की बुक है, और घर बैठे आप मंगवा सकते हो। मुझे इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना, 9753749986। अगर आप ये बुक मंगाते हो तो इसके साथ आपको अरिहंत, जो आप जानते हो अरिहंत की बुक PNST के लिए मानी जाती हैं, उसकी PDF आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, तो आप वो बुक ना खरीदें, उसकी बुक आपको मिल जाएगी PDF फाइल में, और ये बुक आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि सर हमारे अगर पैसे कहीं नहीं जाएंगे, पहले पेमेंट करना होगा और आपके एड्रेस पर आपकी बुक आ जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और 30 में से कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी मंडे से नई क्लास है, ANM की क्लास, और सारी क्लासेस चालू हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी लेना है अभी परचेस कर सकते हैं।